नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने चैनल इंडियन टैक्स जुगाड़ में, जहां पर आज हम बात करेंगे कि आप रिलायंस जियो की 4G सर्विसेज को आने वाले हैप्पी न्यू ईयर में कैसे 2G और 3G डिवाइस पर यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही न्यूज और अपडेट आपको टैक के रिलेटेड देता रहूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चलो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, रिलायंस जियो अभी तक सिर्फ 4G डिवाइस पर ही अपनी सर्विसेज दे रहा था और काफ़ी कम लोगों तक उसकी पहुंच हो रही थी। उसने अपनी सर्विसेज क्या है बढ़ाने का फैसला किया है और अब वो 2G और 3G डिवाइस पर भी अपनी सर्विसेज देगा आने वाले नए साल में। तो उसके लिए वो एक ऐप लॉन्च कर रहा है, जो कि है जियो 4G वॉइस ऐप है। और उसके लिए आपको एक जियो का 4G हॉटस्पॉट डिवाइस खरीदना होगा दोस्तों, जिसकी कीमत है 1999 रुपीज़। वो आपको खरीदना होगा। उसके साथ आपको 3 मंथ्स का जियो का जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है वो दिया जाएगा, और उससे आप अपने 2G और 3G डिवाइस पर भी जियो की 4G सर्विसेज यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, यूज कैसे कर पाएंगे? आप वो जो परचेज कर लेंगे जियो का वाईफाई हॉटस्पॉट, उससे आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, और मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, जिसका नाम होगा जियो 4G वॉइस। जियो 4G वॉइस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें आपको दिया गया अपने वाईफाई हॉटस्पॉट का जो नंबर है वो उसमें एंटर करेंगे, और आपका जो भी सिम का नंबर होगा जियो वाईफाई हॉटस्पॉट का, वो आपके मोबाइल में काम करने लग जाएगा। सारे इनकमिंग कॉल्स आपके मोबाइल्स में आएंगे और अपने मोबाइल के थ्रू आप कॉल कर पाएंगे किसी को भी 3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री। और जो कि वेलकम ऑफर होगा वो 4GB का चल रहा था अभी, लेकिन अब जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर होगा हमारा, उसमें सिर्फ आप 1GB यूज़ कर पाएंगे एक दिन का दोस्तों, और बाकी यूज़ करने के लिए आपको रिचार्ज कराना होगा। तो दोस्तों, रिचार्ज आपके 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा 50 रुपीज़ का रिचार्ज, जिसमें आप सिर्फ एक दिन के लिए 1GB डाटा यूज़ कर पाएंगे, और एक होगा आपका 300 रुपीज़ का रिचार्ज, जिसमें आप पूरे 28 डेज़ के लिए 6GB यूज़ कर पाएंगे। और वो यूज़ कब होगा? जब आपका डेली का 1GB प्लान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में वो आपका डिटेक्ट होगा बैलेंस जो आप रिचार्ज करवाएंगे उसमें से। लेकिन मेरे हिसाब से तो 1GB काफ़ी होता है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्लान रहेगा ये जो नए साल में हमको मिलने वाला है दोस्तों। तो 2G और 3G की हम बात कर रहे थे कि कैसे यूज़ कर पाओगे दोस्तों। तो आप उस डिवाइस से अपने 10 मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं हॉटस्पॉट्स के जरिए दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर आपके घर में किसी के पास भी मोबाइल है 2G वाला, वो भी उसको यूज़ कर सकेगा, आप भी उसको यूज़ कर पाएंगे। तो सभी के लिए एक डिवाइस हो जाएगा जिससे आप नेट यूज़ कर पाएंगे, हॉटस्पॉट डिवाइस बन जाएगा आपका, और कहीं भी आप उसको कैरी कर सकते हैं। बहुत छोटा डिवाइस है और उसका जो बैटरी है वो भी काफ़ी अच्छा चलता है, 1600 mAh का बैटरी है उसमें, जो कि पूरा दिन आसानी से चल जाएगा। और उस पर आप जो कॉल कर पाएंगे, कॉल कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, और कॉल होल्ड वगैरह सब कुछ फैसिलिटी रहेगी आपकी, जैसा आप अपने मोबाइल में यूज़ करते आए हैं अभी तक। तो दोस्तों, ये आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा प्लान रहेगा। अगर आप सोच रहे थे कि 2G और 3G के लिए जियो यूज़ करने का, आपका मोबाइल बदलने का सोच रहे थे, तो दोस्तों अब बदलने की ज़रूरत नहीं है। जियो ने इसके लिए जो डिवाइस है वो लॉन्च कर दिया है, और वो आने वाले नए साल में हमको 1999 रुपीज़ में मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।